आप उम्र तय कीजिए अपनी सत्ता की और आप सोचिए कि आने वाले दिनों में इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान, इस देश के शिक्षक, इस देश के किसान, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश का पसमांदा, इस देश की औरतें, इस देश के दबे कुचले लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी। ये क्रांति हमारे और आपके नजरों के सामने धोखा है। बदलाव का जो ये ढोंग रचा जा रहा है वो एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। देश में जेल में डाले जा रहे कौन लोग? विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग, किताबें लिखने वाले लोग, भाषण देने वाले लोग, विचार करने वाले लोग। क्योंकि आपको पता है कि यह सोच एक दिन आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगी, इसलिए आप हर बात करने वाले आदमी को जेल में डाल देना चाहते हैं। ये फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है, इस देश के यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट इसलिए बनाया जा रहा है, इस देश के शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बेचा जा रहा है कि हमारी आपकी तरह के गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का पसमांदा, इस देश का आदिवासी अगर पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करना शुरू कर। हम आर्थिक आरक्षण की बात करेंगे। इस देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है और हम और आप खामोशी से सुनते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आज से 3 दिन पहले केवल इसी दिल्ली में, यहां से कोई 1.5 किलोमीटर दूर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक आयोजन हुआ। बताते हैं कि अंदर 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के फाटक बंद करने पड़े। वो लोग भी शायद कोई संविधान बचाने, कोई फैज के गीत गाने, कोई प्रतिरोध के गीत गाने के लिए जमा हुए थे। और मुझे लगा कि इस देश में स्थिति बड़ी अच्छी है, लोग प्रतिरोध के लिए जमा होने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। लेकिन जब मैं बाहर देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, बातें करता हूं, तो समझ में ये आता है कि जो लोग प्रतिरोध के नाम पर इकट्ठे होते नजर आते हैं, दरअसल वो प्रतिरोध के लिए जमा नहीं होते, प्रतिरोध का नाटक करने के लिए जमा होते हैं। और इसलिए हमारे और आपके तरह के लोगों को जोरदार आवाज में कहना पड़ता है, चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि जो चीजें इस देश के लिए जरूरी है, जो किताब इस मुल्क के लिए जरूरी है, जो लोग इस देश के लिए जरूरी है, अगर उन्हीं को नहीं बचाओगे तो ये मेले ठेले वीरान हो जाएंगे आपके। इसलिए हमको एक तमाशबीनों के देश में तब्दील होने से बचना चाहिए। हम सोचने समझने वाले लोग हैं, हम बात करने वाले लोग हैं, हम किताबें लिखने वाले लोग हैं, हम किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। और इस देश के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा डर लगता है पढ़ने वाले लोगों से, लिखने वाले लोगों से, सोचने वाले लोगों से, बात करने वाले लोगों से। और इसीलिए इस देश के पढ़ने वाले लोगों को, इस देश के लिखने वाले लोगों को, इस देश के सोचने वाले लोगों को जेलों में डालने की तैयारी है। क्या कोई गुंडा लफंगा जेल में डाल रहा है? क्या कोई ऐसा आदमी जेल जा रहा है जिससे इस मुल्क के चैन अमन को खतरा है? नहीं साहब, इस देश में जेल में डाले जा रहे कौन लोग? विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग, किताबें लिखने वाले लोग, भाषण देने वाले लोग, विचार करने वाले लोग। क्योंकि आपको पता है कि यह सोच एक दिन आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगी, इसलिए आप हर बात करने वाले आदमी को जेल में डाल देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हमारी तरह के लोगों को, इधर बैठे लोगों के तरह के लोगों को, आपकी तरह के लोगों को जेलों में डाल देंगे, जेलों को भर देंगे, तो बातचीत करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, किताबें पढ़ने, लिखने, बोलने, भाषण देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है।
आप उम्र तय कीजिए अपनी सत्ता की, आप उम्र तय करिए अपनी नाफरमानियों की, और आप सोचिए कि आने वाले दिनों में इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान, इस देश के शिक्षक, इस देश के किसान, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश का पसमांदा, इस देश की औरतें, इस देश के दबे कुचले लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी। आप टेलीविजन चैनलों की बात करते हैं, मैं हमेशा यह बात करता हूं और यह बात मुझे लगता है कि मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि स्थितियां बेहतर नहीं होती। ये कैमरे किसके कैमरे हैं? ये लोग कौन लोग हैं? इनको यहां क्यों आना पड़ा है? ये लोग क्यों खड़े हैं? ये यहां से जाकर क्या करने वाले हैं? ये इसलिए आए हैं क्योंकि इस देश के मीडिया घराने हमारी और आपकी बात कहने को राजी नहीं है। इस देश के टेलीविजन चैनल, इस देश के अखबार हमारी बातचीत करने को राजी नहीं है। तो इस देश के टेलीविजन चैनल हमारी बातचीत करने को राजी क्यों नहीं है? इस देश के अखबार यहां बैठे लोगों की बातें रखने को राजी क्यों नहीं है? इस पर बात तो करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। चेहरा छुपाने से काम नहीं चलेगा, चेहरा बचाने से भी काम नहीं चलेगा। आप गौर कीजिए, पिछले 15-20 सालों में इस मुल्क में जो टेलीविजन चैनल खुले वो कौन से टेलीविजन चैनल खुले? सबसे क्रांतिकारी टेलीविजन पंडित प्रणय रॉय ने खोला। हाँ, उससे ज्यादा क्रांतिकारी चैनल पंडित रजत शर्मा ने खोला, और क्रांतिकारी चैनल पंडित राजीव शुक्ला ने शुरू किया, पंडित अवीक सरकार ने शुरू किया। अरे भाई, जब उन्होंने अपने लिए चीजें खड़ी की हैं, अपने लिए मीडिया घराने बनाए हैं, अपने लिए अखबार बनाए हैं, अपने लिए मीडिया हाउस खड़े किए, तो आपको शिकायत क्यों है कि आपकी बातें नहीं की जा रही? आप क्यों शिकायत करते हो? ये वही बात हो गई कि पड़ोसी के घर में खाना पका और आप शिकायत करने पहुंच गए, आप हमको खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, खुशबू तो बड़ी अच्छी आती है। ये होशियारी, ये मक्कारी चलने वाली नहीं है। आज आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो, जहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए थी वहां तक ये आवाज पहुंच रही है क्या? क्या वजह है कि यहां लोग नहीं आए? क्या वजह है कि हमारी बातें उतने लोगों तक नहीं पहुंचती जितने लोगों तक वाकई पहुंचनी चाहिए? मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि इस देश में संविधान के तरफदार कम है। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि इस देश में लोकतंत्र के तरफदार कम है। मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि इस देश में चैन अमन के तरफदार कम है, भाईचारे एक जहती के तरफदार कम है। चूके हुई है, और चूके हमारे लोगों से हुई है, और वह चूके इसलिए हुई है कि आप अपनी राजनीति में जब आगे बढ़े तो आप भूल गए कि आप करने क्या चले थे। आप भूलते चले गए कि जो चीजें लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी थी वो आपने बेच दिया। आपने मीडिया घराने इसलिए नहीं खड़े किए क्योंकि आपको पता था आपको वहां सरेंडर करना है। आपने होशियारी के साथ इस देश में अखबार नहीं खड़े किए, आपने होशियारी के साथ संस्थान नहीं खड़े, आपने होशियारी के साथ इस देश में अपने पत्रकार नहीं बनाए, और बनाए तो उनको चिन्हित नहीं किया। यह सोचने की जरूरत है। आगे अब सोशल मीडिया पर आते हैं कि सोशल मीडिया एक ताकत के तौर पर उभरा, बातें बढ़ने लगी। आपको क्या लगता है यह मॉडल चलने वाला है? फिर से यह बहुत भावुकता की बात होगी कि आप कहें कि हम YouTube के जरिए लाखों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, Facebook के जरिए, Instagram के जरिए, Twitter के जरिए अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक भी आदमी यह गारंटी दे सकता है कि कल को यह बातें चलती रहेंगी? आप में से एक भी आदमी यह गारंटी देता है कि YouTube ऐसे ही चलता रहेगा, Facebook ऐसे ही चलता रहेगा, Twitter हमारी बात ऐसे ही पहुंचाता रहेगा? नहीं साहब, जंग जारी है, और जंग हमारी सोच के खिलाफ, जंग हमारी वैचारिकी के खिलाफ, जंग हमारी चेतना के खिलाफ। ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये किन लोगों की मुट्ठी में है, और ये लोग किसके लिए काम करते हैं, किसके खिलाफ काम करते हैं? आज मैं लिखकर गारंटी देने को राजी हूं कि आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी, मुफ्त के प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऐसे ही क्रांतियां चलते रहेंगे, करते रहेंगे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कुंडलियां
उन्हीं लोगों के हाथों में है जो हमारे और आपके खिलाफ काम करते हैं। आज आप कहते हैं नेशनल दस्तक, आज आप कहते हो आर्टिकल 19, लक्ष्मण यादव यहां बैठे हुए, रतन लाल सामने बैठे हुए। अरे भाई, हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों के लिए मारामारी करते हैं। आप बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, वैचारिकी की बात कर रहे हैं। अगर वाकई इस देश में संविधान बचाने के लिए लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अगर लोकतंत्र बचाने के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा बहुजन प्लेटफॉर्म 50 लाख सब्सक्राइबर्स का क्यों है, जबकि इस देश में बहुजनों की आबादी 100 करोड़ है। और इस देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के लिए, जो अनिवार्यतः इस देश के बहुजनों के खिलाफ हैं, जो इस देश के किसानों के खिलाफ हैं, जो इस देश के नौजवानों के खिलाफ हैं, उन्हें करोड़ों करोड़ों लोग सब्सक्राइब करके देखते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि हमारे और आपके बीच के लोग उसको सब्सक्राइब करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि आपके माइंड को पढ़ने का, आपके दिमाग को गढ़ने का और आपकी पूरी वैचारिकी को बनाने का जो अभियान चलाया जाता है, और वो अभियान जहां से चलाया जाता है, वो लोग वही लोग हैं जो हमको और आपको खत्म कर देना चाहते हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है। संविधान की बात उठी है, लोकतंत्र की बात उठी है जातीय जनगणना की, तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम लड़ने चले हैं, अगर हम भिड़ने चले हैं, अगर हम बदलने चले हैं, तो हमारे हथियार क्या होने चाहिए। आप बताइए साहब, इस देश में 1995 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। आज इस देश में लगभग 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप सोचो कि 27 साल में 450% का इजाफा है। ये लोग कौन चलाते हैं, वहां कौन लोग पढ़ते हैं, वहां क्यों पढ़ते हैं, कहां से आते हैं वो लोग, इस पर भी बात करने की जरूरत है। यहां के सरकारी यूनिवर्सिटीज को कमजोर किया जा रहा है, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को कमजोर किया जा रहा है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। लक्ष्मण बैठे हुए हैं तो आएंगे और बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर क्या तमाशा चलाया जा रहा है, फीसें बढ़ाई जा रही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीठ तोड़ डाली गई क्योंकि आपने अचानक से 400% फीस बढ़ा दी थी। यह फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है, इस देश के यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट इसलिए बनाया जा रहा है, इस देश के शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बेचा जा रहा है कि हमारी आपकी तरह के गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का पसमांदा, इस देश का आदिवासी अगर पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। और आप सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए इस देश के विश्वविद्यालयों पर सस्ती पढ़ाई पर, पढ़ाई के अधिकार पर ताला लगा देना चाहते हैं। अगर हम और आप वाकई इस देश के संविधान को बचाने के लिए गंभीर हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूर गंभीर हैं, कौमी एकजहती को बचाने के लिए गंभीर हैं, तो इस देश के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए, उनको खोल दिया जाना चाहिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, पसमांदा के लिए, औरतों के लिए। और नहीं तो इस देश की सरकार को गारंटी देनी होगी कि एमिटी यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अशोका यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, अगर कोई पढ़ना चाहेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गलगोटिया में, तो उसकी फीस सरकार भरेगी, तो उसकी फीस सरकार भरेगी। हम, हमारी तरह के लोग आपकी तरफ से यह ऐलान कर रहे हैं कि साहब हमारी औकात नहीं है अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, साहब हमारी औकात नहीं है एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, हमारी औकात नहीं है इस देश के आला तरीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। लेकिन अगर आप वाकई बराबरी की लड़ाई पर हो, अगर इस देश को चलाने वाले वाकई ये गारंटी देते हैं और ये कहते हैं डंके की चोट पर कि वह सामाजिक न्याय के पक्ष में है, तो शिक्षा के अन्याय के साथ ये सामाजिक न्याय का ढोंग नहीं चल सकता। लेकिन क्या हमारे नेता, क्या हमारे चुने हुए नुमाइंदे ये कहने को तैयार हैं कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, इस देश के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमांदा के एडमिशन की, नौकरी की गारंटी देनी होगी? नहीं है तैयार। क्या आप जानते हैं कि इस देश के आईआईटी में, आईएम्स में, आईआईएम में कोई पीएचडी नहीं करने देता,
आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को क्यों पीएचडी नहीं करने देता? इसलिए नहीं करने देते कि वहां पढ़ाने वाले लोग नहीं है इस तबके के। और आप कहते हो कि हमको ईडब्ल्यूएस करना है, हम आर्थिक आरक्षण की बात करेंगे। इस देश की सबसे ऊंची अदालत में बैठने वाला एक जज खुलेआम कहता है कि जातीय आरक्षण को खत्म करने का समय आ गया है, और हम और आप खामोशी से सुनते हैं, जाकर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में गाने सुनते हैं, मस्त नाचते हैं, सेल्फियां खींचते हैं, और आकर सोचते हैं कि कॉमरेड क्रांति हो रही है। यह क्रांति हमारे और आपके नजरों के सामने धोखा है। बदलाव का जो यह ढोंग रचा जा रहा है वो एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। मैं आपसे इसलिए नहीं आया हूं कि हम अपने आप को बचा लें, मैं इसलिए आया हूं कहने के लिए कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा लें, हम वो बचा लें जो हमको बाबा साहब ने दिया था। और यकीन मानिए कि जो हमको बाबा साहब ने दिया था उससे कम 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 हमारे पुरखों ने हमको सौंपा है। हमको रिक्लेम करना होगा, हमको चीजों को वापस हासिल करना होगा, हमको छीनना होगा, क्योंकि मांगने से बात बन नहीं रही है। हमको यहां से, ऐसे समारोहों से और ऐसे तमाम आयोजनों से यह बात, यह संदेश भेजना होगा अपनी आने वाली नस्लों के को कि जो चीजें हमको हमारे पुरखों से मिली है, हमको हमारे विरसे में मिली है, उससे ज्यादा ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा हम अपने आने वाली नस्लों को सौंप के जाएंगे। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है मेरे दोस्त, ये बात सिर्फ वैचारिकी की नहीं है, ये बात सिर्फ हकों हकूक की नहीं है, ये बात हमारी भावनाओं की है, ये बात प्यार की है, ये बात सम्मान की है, ये बात इज्जत की है, ये बात हमारे और आपके सपनों की है, जिसको नीलाम करने के लिए हमारे और आपके सपनों को मंडी में खड़ा कर दिया जाए। इस मुल्क को मंडी में तब्दील किया जा रहा है, इस मुल्क की रेलें नहीं बेची जा रही हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सपने बेचे जा रहे हैं, इस देश के हवाई अड्डे और हवाई जहाज नहीं बेचे गए हैं, हमसे और आपसे हमारा हक छीना गया है, इस देश की सड़कें नहीं बेची गई हैं, हमसे और हमारा आपका हक छीना गया है। और अभी भी अगर हम और आप ये समझने को, सुनने को राजी नहीं है तो देर पहले हो चुकी है और देर हो जाएगी। मैं ये बात पूरी ताकत से कहना चाहता हूं और बार बार कहना चाहता हूं कि पीछे देखना छोड़ना होगा। उन लोगों ने जो गलतियां की हैं हमको उससे आगे बढ़ना होगा। यह बात डंके की चोट पर कहनी होगी कि त्रिशूल और बाबा साहब की लड़ाई एक साथ नहीं चल सकती है। यह भ्रम है कि त्रिशूल लहराकर और पीछे मान्यवर की तस्वीर लगाकर, बाबा साहब की तस्वीर लगाकर आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि हम किसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहना रे मेरे भाई, वो लोग तुमको ठग रहे हैं। ठगों से, जालसाज लोगों से, जाली लोगों से, फरेबियों से सावधान रहना, नहीं तो वो लोग आपको बीच बाजार में खड़ा करके नीलाम कर देंगे। इस देश को मंडी केवल उन लोगों ने नहीं बनाया है जो लोग हम पर राज करना चाहते थे, जो लोग हमारी चेतना के लुटेरे थे। इस देश को मंडी उन लोगों ने भी बनाया है जिन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर हमारे सपनों को आगे ले जाने की गारंटी दी थी। और इसलिए यह बात बार बार कहने की जरूरत है, हर मंच पर कहने की जरूरत है, चीख चीख कर कहने की जरूरत है कि हम आप में से हर एक का चेहरा पहचानते हैं, हम पहचानते हैं आपके जूतों का तल्ला जिससे आपने हमारे सपनों को रौंदा है, और अब हम और इसके लिए तैयार नहीं है। बात लंबी हो गई है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, केवल इतना कह के कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और बड़ी होगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में हमको और आपको सड़कों पर निकलने की जरूरत पड़ेगी। हम आने वाले दिनों में हमको और आपको जेल जाने की जरूरत पड़ेगी, लाठियां खाने की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ी तो मरने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए कि इस देश से संविधान का राज कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए इस देश से लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होगा। यकीन मानिए वो तमाम लोग इसी मुल्क की जेलों में बंद किए जाएंगे जिन्होंने हमसे और आपसे हमारे जीने का सपना छीना है, जिन्होंने हमसे और आपके
सपनों को नीलाम किया है, जिन्होंने इस मुल्क के संविधान से गद्दारी की है, जिन्होंने आदमी के ईमान से गद्दारी की है। ऐसे तमाम गद्दार इस मुल्क के जेलों में बंद होंगे। वो तमाम गद्दार जो हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं, जो हमको खालिस्तानी आतंकवादी देशद्रोही बताते हैं, उन तमाम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं आगे खड़े इन तमाम लोगों को जो खिलाफ परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि यह काम कितना मुश्किल है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि एक वीडियो के पीछे कितनी जद्दोजहद होती है, कितना डर लगता है, कितने सारे खौफ से गुजरना पड़ता है, पूरी रात सोचना पड़ता है कि इस पर हमको बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक वीडियो जब आपकी नजरों के सामने से गुजरे तो आप उसको केवल वीडियो मत समझिए, आप समझिए कि उसमें किसी का लहू है, उसमें किसी का पसीना है, उसमें किसी की सोच है, उसमें किसी का ईमान है, इसमें हमारा और आपका गुमान है। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमने हवाओं के हाथ से आपकी तरह के लोगों को मोहब्बतों के, बंधुत्व के, भाईचारे के, समानता के खतूत भेजे हैं। ये सारे खतूत एक दिन पंछियों में तब्दील हो जाएंगे और हमारे आपके सपनों की तरफ फड़फड़ाएंगे और चिल्लाएंगे, बाबा साहब की जय, संविधान की जय, लोकतंत्र की जय, इनकलाब जिंदाबाद।